नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट चार का, कार्बन एवं उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो आपको आज बता दें कि आपका शुभ दिन 15 अगस्त 2020 और सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कार्बन की अप्रूव क्या होते हैं, कितने कार्बन के अप्रूव होते हैं और उन्हें कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आइए देखते हैं। और इससे पहले कि आप ये दो वीडियो ना देखें हो तो उसे जाकर देख लें, इनकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ये चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बन के अप्रूव। कार्बन के अप्रूव का मतलब पहले मैं बता दूँ, किसी भी तत्व का वह रूप जो उसके समान दूसरा हो उसे हम कार्बन का अप्रूव। तो यहाँ पर कार्बन का जो रूप है उसके समान दूसरे तत्व से हम कार्बन का अप्रूव कहते हैं। जैसे कि हीरा, आप जानते हैं डायमंड, ग्रेफाइट कहते हैं, फुल रिंग को फुल रिंग कहते हैं, सभी को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अप्रूप हैं, दोनों ही समान हैं। जबकि कार्बन जो हीरा है वो है चार कार्बनिक अवबंधों से बना, चार कार्बनिक अवबंध बनते हैं उसमें, और जबकि उसकी कंपेयर में ग्रेफाइट में तीन अवबंध बनते हैं। जैसे कि सी के कार्बन के चार बनते हैं इसमें, तो इसमें तीन बॉन्डों से संतुलित हो जाता है कार्बन ग्रेफाइट के अंदर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस हीरे और कार्बन के बीच में यह है कि हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट चमकदार या रसीला, ये फिसलपन होती है इसके अंदर, अभी इसकी मैंने बात नहीं करी। और दूसरी बात है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तीसरी बात है स्ट्रक्चर ही मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, और इन दोनों के बीच की जो एंगल अभी बनेंगे वो बताएंगे आपको। तो हीरा और ग्रेफाइट के बीच में मुझे आपको लगता है कि आपको ग्रेफाइट और हीरे के बारे में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर प्राप्त हो गए हैं। मैं अब बात करूंगा फुलरेन की। फुलरेन एक कार्बन के अप्रूप का एक अन्य अप्रूप है, जिसे C60 के नाम से जानते हैं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक या आर्टिस्ट या कह सकते हैं कि, तो उन्होंने आर्टिस्ट ने बताया है कि जो उसका स्ट्रक्चर है एक बॉल की है, बॉल की ही तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और उस जो वैज्ञानिक है उसका नाम था सीमेंस फुलरेन, उन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रखा है। तो ये इन दोनों अप्रूवों से अलग अप्रूव बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। और इसमें ये आपको और एक उत्तर बताते हैं कि इनकी जो हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं। अब स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर से ग्रेफाइट की संरचना का, ग्रेफाइट के अलग अलग एलिमेंट एक ब्रंजन के स्ट्रक्चर के समान आपको इस तरीके से मिलता है C60। तो ये क्या होता है कि सारे के सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूरी तरीके से अपने फंक्शंस या आवंधों में बंधे हुए होते हैं, चारों के चारों संतुलित होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें चार आवंध, कार्बन के चार आवंध ही पाए जाते हैं, बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, इसका ग्रेफाइट में तीन आवंधा जुड़े होते हैं, तीन एलिमेंट जुड़े होते हैं, बत्तीस में बोलते हैं तीन आवंध जुड़े होते हैं। जबकि हीरे की संरचना के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम चार के चार एलिमेंट्स जो होते हैं, नीचे तत्व यहाँ से भी ये जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि चारों तरफ जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर में चारों तरफ जुड़े हुए होते हैं। जबकि C60 बंकिंग फुलरेन की संरचना के आधार पर इस तरीके से बॉल के आकार की, और कोई एलिमेंट कहीं है कोई एलिमेंट कहीं पर है, इस तरीके से इसकी संरचना प्राप्त होती है। तो आपने देखा इसके, अब देखेंगे इसकी कार्बन की प्रकृति, कौन कौन सी प्रकृति में कार्बन उपस्थित होता है, पांच प्रकृति के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। अभी तो आप देखेंगे आप कि कार्बन के
प्रवृत्ति क्या क्या होती है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, जैसे कि आप पढ़ा है कि कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का मतलब है सर्वतोमुखी, मतलब कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसने लगभग आंकड़े 3 मिलियन यौगिक बना चुके हैं इससे मिलकर। जो कार्बन के अंदर क्वालिटी है और वह किसी भी तत्व के अंदर नहीं है, क्योंकि कार्बन में किसी के साथ संयोग होने की क्षमता अधिक है। इस तरीके से हम उसे कहते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे। पहला है कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता की पहली प्रवृत्ति कि कार्बन परमाणु के अंदर 4 संयोजकताएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 2 पहली कोश में भरने के बाद दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिस वजह से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही उसकी संयोजकता होती है। और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे ये बॉन्ड बनाता है, ये भी हम इसी चतुसंयोजकता में देखेंगे। तो आपने जाना है कि आपको पता है कार्बन के 4 संयोजकताएं होती हैं, इसलिए उसकी एक प्रगति को हम कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कार्बन के चारों बॉन्ड श्रृंखला एक से जोड़ दिए गए हैं और उसकी चारों वैलेंसी और चारों संयोजकताएं समान हो गई हैं। इस वजह से पहला प्रगति आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरे के कार्बन परमाणु की समचतुर्फलीय प्रगति, कार्बन परमाणु की समचतुर्फलीय की समान चतुर्फलीय की जिस तरीके से 4 ए हैं, इस तरीके से चारों अलग अलग समान चतुर्फलीय फल, मतलब अंत्य की शाखाएं या कह सकते हैं फंक्शन अलग अलग होते हैं, वह वैसी प्रवृत्ति के लिए का उसमें कितने का एंगल बनता है, उन जो ये बना रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके बारे में बताए हैं। वैली और टीन बॉन्ट हाफ ने 1874 में बताया कि स्टेट, मतलब एक जो कार्बन है वो एक सीधी रेखा में एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो उस टाइम 90 डिग्री पर रखा गया, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए, कार्बन की जो बैलेंसी वो सही तरीके से बैलेंस नहीं हुई, तो उस टाइम जो एंगल प्राप्त हुआ उस टाइम 109 डिग्री 28 सेकंड का एंगल कोण बनता है कार्बन के ऊपर, जब अपने चारों बॉन्डों से वो जब जुड़ता है एक सम चतुर्फलीय प्रगति के अंदर। तो ये दूसरी प्रगति जैसे मैथन को चुरा गया है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएँ समान होती हैं। कार्बन परमाणु की सारी संयोजकताएँ समान होने का अर्थ है कि उसमें किसी भी बॉन्ड पर या किसी भी छोर पर, जैसे कि देखें कि इसके किसी भी बॉन्ड पर चारों में से कहीं भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखे, इसके 2 स्ट्रक्चर और भी मैं लिख सकता था, मैंने Na2 और CH3 का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने एक तीनों एच को अलग अलग जोड़ दिया गया है और उसमें Na2 को एक साइड जोड़ा है, जबकि इसी के आधार पर इस साइन का मतलब है कि इससे बनाया जा सकता है, इससे बनाया जा सकता है। इस साइड मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में अब H जोड़ दिया है, लेफ्ट में Na2 जोड़ दिया है। इस Na2 को मैं यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, इस Na2 को यहाँ भी जोड़ सकता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि कार्बन परमाणु की संयोजकताएँ समान होती हैं, कि कहीं भी कैसी भी किसी बॉन्ड पर इस साइड भी कोई भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं, वहाँ से उतनी ही मात्रा में स्ट्रॉन्ग अवन बनाएगा जितना कि दूसरी साइड से बनाता है। अगला लिखा है संकरण गुण होता है, इसमें चेन का चेन रूल या चेन प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, होते हैं हम खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला का मतलब है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अलग अलग एलिमेंट को हम तोड़ सकते हैं। इस तरीके से खुली श्रृंखला है कि कोई भी एलिमेंट किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग है, कभी कोई निकल सकता है। जबकि बंद श्रृंखला के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उन्हीं के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होती है।
इसके अंदर संतुला के अंदर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक भी हम थोड़ी से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो संतृप्त यौगिक का मतलब है कि जिन अवन जिसमें एक अवंध बनाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा हो, चाहे वो पूरी संख्या वाला हो चाहे वो बंद संख्या वाला हो, उससे वो जो यौगिक है जिसका सिंगल सिंगल बॉन्ड से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि मैथेन सिंगल बॉन्ड से बनता है, तो मैथेन एक संतृप्त यौगिक है। जबकि जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, उसे हम असंतृप्त यौगिक नाम देते हैं। तो इसमें हमने प्रगति के बारे में जाना, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला और जो टॉपिक्स है वो देखेंगे।